हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं उपस्थित हूं आज एक नया अध्याय लेकर जो कि हमारे राजस्थान अध्ययन कोर्स से संबंधित है। और राजस्थान अध्ययन कोर्स में हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में हमारा जो अध्याय अभी चल रहा है वह राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें हम कालीबंगा सभ्यता, रंगबैल सभ्यता, आड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता इत्यादि पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा अध्याय वीडियो है, वह सीकर जिले की प्राचीन सभ्यताएं एवं संस्कृति स्थलों से। सीकर जिले की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, कौन से संस्कृति स्थल है सीकर जिले में, कौन कौन से वहां पर साक्ष्य प्रमाण हुए, यानी कि प्रमाणित साक्ष्य क्या क्या मिले, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो ये सीकर जिले की सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर। तो साथियों, शुरू करते हैं सीकर जिले की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति स्थल से। साथियों, सीकर जिले में तीन प्राचीन सभ्यताएं मिली थी, जिनमें पहली है आपकी गणेश्वर सभ्यता जो कि ताम्र युगीन सभ्यता है, दूसरी आपकी मिली थी गुरारा सभ्यता और तीसरी आपकी मिली थी सौग्रा सभ्यता। इन तीन सभ्यताओं में यदि बात की जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण दो सभ्यताएं हैं, एक है आपकी गणेश्वर सभ्यता, दूसरी आपकी गुरारा सभ्यता। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता की और फिर गुरारा सभ्यता के बारे में बात करेंगे कि वहां से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले बात की जाती है गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता की बात की जाए तो गणेश्वर सभ्यता का स्थान जो था वो गणेश्वर का टीला, जो कि सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में है, वह था गणेश्वर सभ्यता का स्थान। गणेश्वर सभ्यता कहां प्राप्त हुई थी, सीकर जिले के नीम का थाना तहसील जो है उसके गणेश्वर का टीला पे। और यह सभ्यता यानी कि गणेश्वर सभ्यता कातली नदी के किनारे फली फूली कातली के नदी के किनारे विकसित थी। इस सभ्यता का जो काल समय है वो 2800 ईसा पूर्व है, 2800 वर्ष काल है इसका, जो कि ताम्र युगीन सभ्यता को दर्शाता है। बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ताओं और खोजकर्ताओं की। तो सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय रतनचंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल को जाता है। आरसी अग्रवाल जो थे वो गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाए थे। गणेश्वर सभ्यता के बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया, तो खोजकर्ता कौन है, आरसी अग्रवाल गणेश्वर सभ्यता के। और इस सभ्यता का उत्खनन कार्य वर्ष 1977-78 में आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में हुआ था। गणेश्वर सभ्यता की जो खोज थी उसकी खोज करने में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के ने सहयोग किया था, तब गणेश्वर सभ्यता की खोज हुई थी। आइए बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य और गणेश्वर सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। तो यह जो सभ्यता है यह ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है, यानी कि गणेश्वर सभ्यता जो है ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। और इस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है, यानी कि ये जितनी भी भारत में ताम्रकालीन सभ्यताएं हैं उनकी माँ है, उनकी जननी है, यहां से उत्पन्न हुई है सारी ताम्रकालीन सभ्यताएं। सारी ताम्रकालीन जितनी भी ताम्रकालीन सभ्यताएं, चाहे वो हड़प्पा में हो, चाहे आपकी मोहनजोदड़ो में हो, चाहे सिंध में हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, इसके अलावा बैराट सभ्यता हो, आड़ सभ्यता हो, कालीबंगा सभ्यता हो, तो यह जो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता यह सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी है। और यहां से तांबे का निर्यात होता था, तांबा भेजा जाता था कहां पर, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को, और इसके अलावा मोहनजोदड़ो के निवासियों को भी यहां से तांबा निर्यात किया जाता था। गणेश्वर सभ्यता सीकर से झुंझुनू, जयपुर तथा भरतपुर तक फैली हुई है। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों में इसके उत्खनन में विभिन्न ताम्र उपकरण जैसे ताम्र आभूषण, चूड़िया, फरसे, कुल्हाड़ी, तीर, सुइयां, भाले आदि प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता में
पत्थर के बांध के साक्ष्य मिले। उन बांध के साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि जब बाढ़ से बचने के लिए इन बांधों का उपयोग किया जाता था, जो पत्थर के बांध थे इनका उपयोग बाढ़ से बचने के लिए किया जाता था। और इस सभ्यता में काले और नीले रंग की चित्रकारी से युक्त प्याले, कुंडिया व तस्त्रिया आदि मृद पात्र यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पे चित्रकारी की गई थी काले और नीले रंग से। इसके अलावा यहां पर तांबे का मछली पकड़ने का कांटा मिला है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो जितनी भी चीजें मिली हैं वो सारी तांबे की मिली है, क्योंकि यह जो सभ्यता है वह ताम्र सभ्यताओं की जननी है। इस सभ्यता में सबसे ज्यादा तांबा मिला, तो यहाँ के जो मानव था, यहाँ के जो निवासी थे, वो तांबे के अलावा अन्य मिश्रण धातुओं से अपरिचित थे। उन्हें सिर्फ एक ही धातु का ज्ञान था, वह था तांबा। तो यहाँ पर तांबे की जितनी भी चीजें मिली वो तांबे की मिली, अधिकतर चीजें तांबे की मिली थी। यहाँ पर तांबे का एक बाणाग्र मिला है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के लोग शिकार करते थे और वह सर्वाहारी थे, यानी कि वह लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी, दोनों प्रकार के लोग रहते थे गणेश्वर सभ्यता में। जो इनके मकान थे, गणेश्वर सभ्यता के जो मकान थे वो पत्थरों से निर्मित थे और इन मकानों में ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया था। इस सभ्यता की खुदाई में दो प्रकार के पशु पक्षियों की प्रजातियों की अवस्थियां मिली है। एक वह पशु थे जो घरेलू पशु थे, दूसरे वह पशु थे जो जंगली जानवरों में खाए जाने योग्य थे। घरेलू पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, गधा और मुर्गा प्रमुख थे। और जंगली जानवरों को खाए जाने वाले योग्य जो पशु थे उनमें नीलगाय, हिरण, कलंगी वाला बतख, खरगोश और मछली इत्यादि थे। गणेश्वर सभ्यता में खंडेला का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि जो कातली नदी है, कि गणेश्वर सभ्यता कातली नदी के किनारे पर फूली और कातली नदी का जो उद्गम स्थल है वो खंडेला की पहाड़ियां है। और खंडेला की बात की जाए तो खंडेला की मुख्य और खास विशेषता यह है कि यहाँ का गोटा विश्व प्रसिद्ध है। जो खंडेला का गोटा है वो विश्व प्रसिद्ध है। और इस गोटे की बात की जाए तो इस गोटे में लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, मुकेश आदि प्रमुख है। इसके अलावा बात करते हैं तो गणेश्वर सभ्यता की हम बात कर रहे हैं तो उसमें मिलता है पीला पोमचा, जो कि शेखावटी क्षेत्र का पीला पोमचा विश्व प्रसिद्ध है। पीला पोमचा जो बनाते हैं, जो बनाने वाला जो समुदाय है पीला पोमचा, उसको रंगरेज, नीलगर या लीलगर कहते हैं। और जो पीला पोमचा को बेचता है, जो समुदाय, उस बेचने वाले समुदाय को बिसायती कहा जाता है। और ये जाट महिलाओं का प्रमुख पहनावा है, प्रमुख ओढ़नी है पीला पोमचा। तो ये तो थी साथियों गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता, गणेश्वर सभ्यता के से मिले साक्ष्य। और गणेश्वर सभ्यता का एक बार रिवाइज करें तो गणेश्वर सभ्यता जो थी वो कातली नदी के किनारे विकसित हुई थी और ये सीकर जिले के नीम का थाना में गणेश्वर टीला पर है। गणेश्वर जो सभ्यता है वो ताम्र संचय सभ्यता थी और इस सभ्यता को ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कहा जाता है और ये भारत की सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी थी। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता की जो खोज थी वो रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल ने की थी और इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था 1977-78 ईस्वी में। तो साथियों ये थी आपकी गणेश्वर सभ्यता और अब हम बात करते हैं गुरारा सभ्यता। साथियों गुरारा सभ्यता की बात की जाए तो गुरारा सभ्यता में एक ही साक्ष्य मिला है। इसके उत्खनन में जो साक्ष्य मिला है वो एक साक्ष्य मिला है और यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है, यहाँ से चांदी से बने 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं, मतलब आहत मुद्राएं जो होती है पंचमार्क सिक्के वो मिले हैं गुरारा सभ्यता से। साथियों वीडियो कंप्लीट देखें, पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ आएगा और वीडियो पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि जितना लिखा है उससे कहीं ज्यादा हम आपको बताएंगे।
वीडियो को पूरे ध्यान से सुने, नोट करें। नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम हमारे वीडियोज का PDF डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाला जाता है। तो ये थी सीकर जिले की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति। अब हम बात करते हैं सीकर जिले की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, गणेश्वर सभ्यता, गुरारा सभ्यता, सोगरा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों उत्तरों की। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कातली नदी का उद्गम स्थल है? ए खंडेला की पहाड़िया, ब नाग पहाड़, स खमनोर की पहाड़िया, द गोगुंदा की पहाड़िया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन है खंडेला की पहाड़िया। निम्नलिखित में से ताम्रजन्नी किस सभ्यता को कहा जाता है? आर्य सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को, बैराट सभ्यता को, रंगमहल सभ्यता को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब गणेश्वर सभ्यता को। लप्पा लप्पी, किरण बांगड़ी आदि गोटे के प्रकार किस जगह के प्रसिद्ध है? नीम का थाना, सीकर, खंडेला, अजीतगढ़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन स खंडेला के, खंडेला का गोटा। ये गोटे के प्रकार है लप्पा लप्पी किरण बांगड़ी, जो कि खंडेला के प्रसिद्ध है। और खंडेला कहां है? सीकर जिले में। गणेश्वर सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ए रतन चंद्र अग्रवाल, ब बीके थापर, स बीबी लाल, द दयाराम सानी। तो साथियों, गणेश्वर सभ्यता की खोज सर्वप्रथम जो इसको प्रकाश में लाए थे रतन चंद्र अग्रवाल जी, आरसी अग्रवाल जी ने की थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। निम्न में से पीला पोमचा बनाने वाले समुदाय को कहा जाता है? तो पीला पोमचा बनाने वाले समुदाय क्या कहते हैं? लीलगर, विस्नोलिया, जाखड़, गरासिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन है लीलगर। जो पीला पोमचा जो समुदाय बनाता है उसे लीलगर या फिर उसे नीलगर, लीलगर, नीलगर और अंग्रेज कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त बाणाग्र किस धातु का बना था? लोहा, तांबा, कांस्य, चांदी। और इसका सही उत्तर है तांबा से। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध गणेश्वर सभ्यता से है? कांतली नदी, सरस्वती नदी, बनास नदी, आयर्न नदी। और इसका सही उत्तर है साथियों कांतली नदी। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती थी? आर्य सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से, बैराट सभ्यता से, रंगमहल सभ्यता से। और सही उत्तर है ऑप्शन बी गणेश्वर सभ्यता से, क्योंकि गणेश्वर जो सभ्यता है वही सभ्यता भारत की सभी सभ्यताओं में तांबे की जो है उनकी जननी मानी, यानी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल है? श्रीगंगानगर, अलवर, भीलवाड़ा, सीकर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन है सीकर जिले में गणेश्वर स्थल है, जो कि नीम का थाना तहसील में है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि गणेश्वर सभ्यता, गुरारा सभ्यता, उनसे प्राप्त साक्ष्य, उनकी विशेषताएं और उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर। साथियों, वीडियो पूरा देखिए और आपसे मेरी विनती है हाथ जोड़कर कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट आप अच्छा बुरा कैसा भी कर दीजिए, पर करिए, कमेंट जरूर करिए। इसके अलावा यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल UV Competitions को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये YouTube चैनल क्वालिटी में विश्वास करता है, क्वांटिटी में नहीं। हम डेली आपको एक वीडियो देंगे लेकिन क्वालिटी वाला वीडियो देंगे, और हमारा कंटेंट इतना होगा जितना आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, उसके लिए 10 बुक उठानी पड़ेंगी। तो 10 बुक क्यों पढ़ी जाए जब हमारा कंटेंट इतना है कि एक जगह मिल रहा है, 10 बुकों का कंटेंट एक जगह आपको मिल रहा है, तो उसे लीजिए ना। तो साथियों, हमारे YouTube चैनल UV Competitions को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, घंटा आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो का आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कीजिए और हमारे नए वीडियो का इंतजार कीजिए। नया वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हूं, मैं विवेक कुमार फिर से आऊंगा एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।